बोर्ड टाइप का है, मगर इतना ऊपर से नीचे इतना बढ़िया से गिर है यार। हाँ, वाटर लेवल, वाटर लेवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल? कमिंग फ्रॉम अप साउथ टू डाउन साउथ, अप टू डाउन ना, दिस इज अ कॉल लाइक टॉल ना, जस्ट लाइक या कोटिया, जस्ट लाइक। अरे अरे यार, पिकअप नहीं ले पा रहे। Guys, we are going to Pasramkun right now and with Pompom and Gaurav. ये है पहाड़िया एरिया इलाका है, आप देख सकते हैं कितना पहाड़ जो है, वाह सुंदरता, और वाह इतना डेंजर सा काट यार, वाह और काट मतलब स्पीड में मजा आ जाएगा यार। वो पानी इतना सरक रहे तो आप लोग देख सकते हैं कितना, जैसे कि ऐसा लग रहा है इसी के अंदर में बैठ रहा हूँ मैं यार। एक बार आप लोग भी जब यहाँ में घूमने आएगा, आप लोग को जरूर ले जाएगा जब आप लोग नागालैंड से आएगा तो। कितना सुंदर व्यू, अरे वाह नेचर तो है कि नहीं कोटिया। मगर इसको दिन में चश्मा पहन रहे, इसको रात दिखाई दे रहा होगा, अभी देखता हूँ चश्मा। अरे अंधेरा तो दिखाई दे रहा है साइड से, देखो यार, अरे यार अंधेरा, सच में अंधेरा दिख रहा है। यहाँ में बहुत टर्निंग सिस्टम है, मगर पहाड़ एरिया में ऐसे टाइप का ही ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि फिलहाल आर्मी करे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसका कारण से तो थोड़ा रुक गई यहाँ में। ओ अभी थोड़ा ख़त्म हो गया क्या शेट? ओ अभी भी आर्मी करी आ गया यार, टर्निंग में, यार टर्निंग में ठीक, और यार पीछे भी दो, अरे यार दो दो यहाँ में, मतलब जब पहाड़ एरिया में जब गाड़ी वगैरह आता है ना आर्मी करे, एक बार आने से बहुत सारा लाइन में आता है, इसलिए उसका कारण से थोड़ा रुकने से बेहतर होता है, क्योंकि आर्मी लोग का रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का उसका वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं उसकी कारण से। अभी शेड ख़त्म हो गया, चलो अभी निकलते हैं बेचांस आने से। हॉर्न बजाना है से सर, घूमते हैं क्या आप लोग? पता है मैंने लाइफ में जब भी ट्रेवल करता हूँ ना, मुझे बाहर का हवा खाने बहुत मज़ा लगता है, जब बाहर एरिया में होता है ना, जो टाउन का हवा जो है बहुत गर्मी वाला हवा आता है, मगर जब भी पहाड़ में ट्रेवल करता है तो मतलब एकदम ठंड वाला, जैसे कि एसी में बैठे टाइप का, एसी भी एसी से भी बेहतर होता है हवा, जो नेचुरल हवा होता है, जो पेड़ से जो हवा आता है ना एसी, काफ़ी मज़ेदार होता है यार। जूता आप लोग भी जब यहाँ आने से आप लोग को इसका हवा को आप लोग को एहसास करने दूंगा, महसूस फील यार। तो कोटिया दोनों आगे में, वाह वाह वाह, वाटरफॉल, वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल, आप देख सकते हैं यार, वाटरफॉल। अरे इतना सारा आर्मी गाड़ी अभी भी खत्म नहीं हुआ यार। फीलिंग कोटिया गुड, दिस ईयर वन ऑफ द ब्यूटीफुल वाटर कमिंग फॉर यार, तो आप लोग देख सकते हैं यार, ताजा ताजा। अरे यार जब भी पहाड़ में चलते एकदम ताजा ताजा आप लोग देख सकते हैं पानी यार, ओ हो कितना मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ का पहाड़ का जब पानी होता है ना एकदम प्योर वाला, तो कोटिया वहाँ रुक रहा है यार। और ये पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा है, वहाँ में पहाड़ जो आप लोग देख सकते हैं वो पहाड़, ओ ना तो ये लोग मुझे छोड़ के जाने वाला था, मगर मैं जैसे तैसे गेट पकड़ के आ चुके हैं। वो लोकल स्विमिंग पूल, वेरी गड्ढा देख सकते हो, ये है बहुत ही डेंजर होता है, जब छुएगा ना बॉडी में तो बहुत डेंजर से खुजली लग रहा है, मतलब ओ आप छूने मन नहीं, देखने से डर लगता है यार। तो कटिया यार, तो आप लोग देख सकते हो यार, ये सुंदर झरना, सुंदर सुंदर झरना आप लोग को यहाँ में देख सकते हैं। वाओ यहाँ में इतना ऊपर से गिरता है यार, इतना ऊपर से गिर रहा है, देखो आप चिंदा होल टाइप का है, मगर इतना ऊपर से नीचे इतना बढ़िया से गिर रहा है यार। सो गाइस लुक एट योर मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल एट लोहित डिस्ट्रिक्ट, अरे यार इतना ऊपर से यार, अब देख हो हाउ इज फीलिंग यार कोटिया, सी आर वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इज कमिंग फ्रॉम अप। So what do you want to give price from percentage? Level. Huh? Water level. Water level? Yeah. What is the meaning of level? Coming from up south to down south. Up to down, na?
just this like, is a call. Just like tall, na? Just like yeah. Kotia, just like you. And Amitabh Bachchan come to just like this. Like Amitabh Bachchan, na? This water pole, na? Yes. Am I right? Yes. Yeah. Jalna at Lohit district, one of the famous jalna. From coming up to down, with my Kotia friend. चलते चलते जब भी मुझे झरना पहुंचते हैं ना तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारा झरना देखने को मिलेगा। आप लोग वाओ वाओ इतना बढ़िया, ताकि ऊपर से कुछ ना गिर जाए और कुछ ना गिरे मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, बहुत काफ़ी। और ऐसे वाला कुछ पत्ता खाता था, पता नहीं ऐसे वाला कुछ खाता है यहाँ, ये वाला था ना कौन सा कुछ खाता है, ये मोंकरो बदर जो है ऐसे टाइप का कुछ तोड़ता है और खाता है वो। फिलहाल मुझे पता नहीं कौन सा तोड़ के खाता है, थोड़ा अलग है, थोड़ा चिपक रहा है हमें, पता नहीं क्या चीज़ प्लान है। और पहाड़ पहाड़ एरिया में इतना सुंदर से टिप 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 बारिश जो है टपक रहे, मगर पूरा प्योर हो गया अंडरग्राउंड से। और आप लोग को मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, ये जो है झाड़ू का गच्ची है जो पहाड़ से निकलते है, झाड़ू का गच्ची, इसको तोड़ के मतलब सुखाना है, बहुत सुंदर सुंदर से निकला और तोड़ के सुखा रहे हैं और बहुत मजे होते हैं यार। कहा मैं यहाँ तकलीफ हो गई, कौन सा वाला है? हम लोग छत रास्ता पूछना भूल गया यार, ऊपर से रास्ता ठीक है ना, खराब है यहाँ तरफ का, उस दिन में सुनने में आया था खराब है रास्ता। अरे यार रास्ता इतना ख़राब है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ रास्ता खा दिया हुआ है, क्योंकि इतना पानी जोरों से बारिश का मौसम है ना, आप लोग पूरा देख सकते हैं पूरा क्लोडी क्लोडी हो चुका है यहाँ। और आगे में बहुत रास्ता ख़राब दिखाई देगा। अरे यार पूरा ना पानी जो है पूरा रोड में आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं पानी जो पूरा रोड में आ चुका है, क्योंकि यहाँ में नाला होता तो कितना अच्छा होना था यार। क्या ये लोग भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे यार गवर्नमेंट लोग। वाओ क्लोडी क्लोडी पूरा फंस चुके हैं यहाँ में, ठेर ठेर के आ रहे यार। तो कैसे बाइक फंस गया? हाँ अरे यार पूरा ऐसे उड़ा के जाना, ऐसे उड़ा के जाना यार। क्या पिकअप नहीं ले रहे क्या? मेरा छप्पर भी चेहरा हो गया। हम लोग थी हम लोग ना क्या करते हैं, इससे भी ज्यादा करंट में ऐसे उड़ा के ले जाता भाई। भाई को तो ये तो इतना छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, कुछ नहीं। बाइक का वेट है 200 केजी के ऊपर, 200 केजी और भी बढ़िया से चलता है, जितना वेट होगा ना उतना बढ़िया से चलता है। हमको दौड़ाना बोल, हम तो ऐसे पार कर देगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ में पूरा नदी जो है ये जितना ब्रिज है पूरा ले गया, देखो आप लोग कैसे बेन हो गया ब्रिज, पूरा ये बेन हो गया, नीचे डाउन हो चुके हैं, क्योंकि ये पानी काफी बड़ा हो जाता है उसके कारण से। हम लोग कल हम लोग वाकरो में था, वाकरो में रास्ता ठीक है वहाँ नीचे साइड ठीक है, कीचड़ वीचड़ है, कीचड़ वीचड़ है ना, कोई बात नहीं, कीचड़ को भी हम लोग पार करेंगे, क्योंकि यहाँ में बहुत सारा लैंडस्लाइड होने के कारण से। अरे यार गाड़ी जो यहाँ टेढ़ा करके चलाना पड़ेगा शेड। तो ये हमें ब्रिज था पहले, मतलब यहाँ में टूट चुके हैं। आ जाओ गौरव। तो कोटिया वहाँ में क्या कर रहे पता नहीं, रील्स बना रहे शेड, ये इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह डाल निकले। और हमें गाड़ी को पार करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा से टेढ़ा से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड अप है और ये बहुत डाउन है। तो हम लोग को तो गाड़ी पार करे धीरे धीरे, चलो आराम से। पूरा ब्रिज टूट गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ में पूरा टूट के पूरा अलग हो चुके है यहाँ में। तो अरे बा, तो यहाँ में जैसे तैसे पार कर लिया, अभी हम लोग को निकलना है डायरेक्ट परशुराम कुंड का। भगवान से दुआ करता हूँ रास्ता अच्छा होगा ना। आप लोग कहाँ से है वैसे? तीनसुकिया से ना, ओ काफी दूर से। अभी कहाँ निकलेंगे वैसे? कहाँ निकलेंगे पता नहीं, वो लोग को बताना है।
वो आप लोग का दोस्त लोग का पता है ना, अंजाव निकलेगा क्या? अंजाव का तो रास्ता तो और मुझे लगता है बहुत बहुत रिक्स है। ये नमसाई नहीं निकलता, नमसाई वहाँ से डायरेक्ट निकलता है, और यहाँ से डायरेक्ट तेजू भी जा सकते हैं। तेजू वहाँ से इतना अच्छा जगह से छोड़ के यहाँ से पहाड़ से आ गया, इतना बारिश का मौसम में बाई चांस मतलब फंस जाने से बहुत दिक्कत होती है यहाँ में, क्योंकि लाइन क्लियर होते रहते हैं। उस दिन भी मतलब पूरा ब्लॉक हो गया, ये आगे में था क्या, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया मतलब। चलो चलो, अरे चक्का से पूरा धुआं निकल रहा है यार, इंजन से धुआं निकल रहा है यार। अरे यार दम लपा, थैंक यू सो मच यार हेल्प करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ क्या जो गन्नी मारे दुआ नहीं करे क्या वहाँ से? थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू ना, थैंक यू। आराम से निकल जाना, आराम से ठीक है, रास्ता तो अभी लगभग ठीक है। पूरा लाइन से होने की वजह से पूरा रास्ता बर्बाद हो गया यहाँ में। बाइक पार करेंगे धीरे धीरे, और ये लोग काफ़ी दूर से आया आसाम से यहाँ से घूमने के लिए, तो ये लोग तेजू निकालना था, बोले तेजू वो चौकम होके निकलने से अच्छा होना था ये आलूबरी साइड से होके, मगर ये लोग को पता नहीं था आसाम से है ना तो काफ़ी दूर से, उसके वजह से पूरा ये लोग अभी एक एक करके धीरे धीरे पार करेंगे। नदी जो है काफ़ी बड़ा हो चुकी है उसके कारण से, तो वो लोग धीरे धीरे पार करेंगे, तो वो लोग पार करें। और ये लोग का सर तीन दिन कन्या आया है पार करें धीरे धीरे करके अभी, क्योंकि नदी काफ़ी बड़ा है ना उसके कारण से। तो बाइक फंस गया क्या? और धीरे धीरे ये लोग पार कर रहे हैं, अरे यार पिकअप नहीं ले पा रहे हैं। चलो थोड़ा हेल्प करते हैं, बाइक जो पूरा फंस चुकी है यार। चलो चलो कोटिया, तो ये बाइक जो है पार हो चुकी है यहाँ में, क्योंकि नदी इतना बड़ा है वहाँ से आप तो देख सकते हैं। पूरा लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड यार, रास्ता में चलते 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 क्या हो जाता है पता नहीं, बहुत सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं यार। वाह, ये माउंटेन का बीच में से, और ये जो है नदी चलता है तेजुक से आलूबरी होके पूरा, जहाँ उस दिन आप लोग को ब्लॉग में दिखाया था ना बिरेम, हम दोनों जो मछली मारने की जगह में घर, वो वहाँ में पम्पम का घर जूम करेगा ना कितना, तो कौन सा जगह में पहले बताओ, पम्पम का घर कहाँ है यार, कौन सा ला है वो कोटिया, तेरा घर तो कौन सा यार, अरे तेरा घर दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, वाह इतना खाए है यार, वाह इतना खाए, गौरव भी फोटो खींच रहे यार। तो मतलब यहाँ आने से बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलेगा व्यू, वो अगर यहाँ बाय चांस यहाँ से कोई गिर जाने से डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा, डेड बॉडी भी नीचे से लाने के लिए भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना डाउन है कौन जाएगा। वाह दिस को व्यू ऑफ अरुणाचल प्रदेश तेजू, सागर किनारे है, देख सकते हैं वो है पशरामकुंड ब्रिज, तो हम लोग को निकलना है वो जगह, आप लोग देख सकते हैं वो ब्रिज में निकलना है, ये पशरामकुंड ब्रिज, और ये जितना भी मंदिर है वो साइड में मंदिर, इतना सारा मंदिर है यहाँ में पशरामकुंड मंदिर, और यहाँ में पशरामकुंड रिवर इतना बड़ा हो चुके हैं। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा वो साइड है मेरा बस्ती जो वाक्रो, आप लोग को मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जगह जो है हम लोग का बस्ती पड़ता है ये जगह, तो आप लोग को घर भी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वो लोग है बस्ती, और बहुत सारा क्लोडी है मतलब बादल का वजह से ठीक से क्लियर नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं कभी दिन अच्छा से लेंगे जब धूप होगा। वो जो हेलीपैड है पशरामकुंड का, तीन तीन हेलीपैड, ये जो है जब भी आया था इंडिया का क्या बोलता है ये, एक तो था इंडिया का पता नहीं,
क्या था पता नहीं, वो आया था। बस ये है परशुराम कुंड और वो है कुलारी, कहते हैं कुलारी, कुलारी है वो है। और वहाँ से ऊपर से जाते हैं मंदिर वो नीचे होके, और वो नीचे में आदमी लोग मतलब नहाता है, जितना भी वो मतलब लाइफ में पाप कर के वो पूरा मिट जाता है बोला है। और कोटिया ने क्या बॉक्स लेके आया रील्स बनाने के लिए, ये हमेशा रील्स बनाने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ डीजे बॉक्स साथ में हमेशा रेडी रहता है यार। यहाँ में रील्स बनाते बनाते इतना ज़ोर से बारिश दे दिया, अभी बारिश दे रहे कंटिन्यू रील्स बनाते, आप लोग देख रहे पूरा बारिश दे दिया। और अभी पानी जो है काफ़ी छोटे है, पहले तो यहाँ तक पूरा एरिया में फैलता ज़्यादा पानी भरा होने से पूरा वो सभी भरा होता है। और आप लोग को मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले जो परशुराम कुंड का ना, जब इसका कहानी जो ऐसे टाइप का ना, बहुत बहुत दूर से आदमी लोग आते हैं यहाँ में देखने के लिए, क्योंकि ये जो है कुलारी कहते हैं कुलारी टाइप का, ये दोनों साइड से पानी जाता है तो बीच वाला पत्थर कभी ख़त्म नहीं होता है यहाँ में। जब परशुराम में जब जो इसका कहानी एक कुछ पहले का कहानी है, मैं भी इतना अच्छा से नहीं जानता, एक्सप्लेनेशन तो नहीं करूँगा क्योंकि इतना अच्छा से मैं भी नहीं जानता, पहले का कुछ कहानी है हमें क्यों अपना माँ को काट दिया, गर्दन काट दिया तो उसका हाथ में हमेशा चिपक गया, ऐसा कुछ कहानी था। तो यहाँ में दुलाया है उसके बाद हाथ छूता है, तो ऐसे कुछ है कहानी जो है। बारिश दे दिया, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे फिर से, अभी काफ़ी ज़ोरों से बारिश दे रहे इसलिए। बस बहुत सालों के बाद हमारा पांडी जी से मिला यार, इतना जवान है अभी तक, पहले जैसे देखता था वैसे अभी तक भी उतना ही जवान है यार। अभी कहाँ से आया है, तो लॉस चल रहा है कि नहीं? नहीं लेता है ना, नहीं कभी नहीं। और हम बहुत साल हो गया आया नहीं, लॉज देखा ही नहीं, अभी बहुत साल हो गया, शादी कर लेते हैं, अभी शादी करने वाला हम ये पाँच साल के बाद, हमारा तरफ से पूरा पावर रहेगा, टेंशन मत, पाँच साल के बाद शादी करेगा, ठीक है, लाइफ सेटल करेगा, ठीक है। तो समाप्त करते हैं आज के लिए, इतना सा ब्लॉग है क्योंकि ज़्यादातर मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पास बैटरी नहीं था। अभी भी मैं ये चांस करके मैं थोड़ा सा वो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि पावर बैंक था बोल के, आगे में पता चला है, पोम ने दिखाया कि पावर बैंक है बोल के, वो गाड़ी का आगे बॉक्स से निकला है। तो वीडियो को इसमें समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगला ब्लॉग, मगर जितना हो सकता है आज का ब्लॉग इतना खास तो नहीं हुआ है मुझे इतना पता है, फिर भी मैं डाल रहा आप लोग के लिए थोड़ा सा सुंदर सुंदर पहाड़ का व्यू, कुछ नज़ारा ऐसे बढ़िया था, कोई बात नहीं, जो भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है थोड़ा मेरा, काफ़ी दिन का सालों का बरवी पहाड़ का रास्ता सा है। ये है पहाड़िया एरिया इलाका है, आप देख सकते हैं कितना पहाड़ जो है, वाह सुंदरता, अब इतना डेंजर सा काट यार, वाह और काट मेरा स्पीड में, मज़ा आ जाएगा यार। वो पानी इतना सरक रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना, जैसे कि ऐसा लग रहा है इसी के अंदर में बैठ रहा हूँ मैं यार। एक बार आप लोग भी जब यहाँ में घूमने आएगा आप लोग को जरूर ले जाएगा, जब आप लोग नागालैंड से आएगा तो, कितना सुंदर व्यू, अरे वाह नेचर है कि नहीं कोटिया। मगर इसको दिन में चश्मा पहन रहे, इसको रात दिखाई दे रहा होगा, अभी देखता हूँ चश्मा, अरे अंधेरा तो दिखाई दे रहा है साइड से, देखो यार, अरे यार अंधेरा, सच में अंधेरा दिख रहा है। यहाँ में बहुत टर्निंग सिस्टम है, मगर पहाड़ एरिया में ऐसे टाइप का ही ज़्यादातर होते हैं।